Thank you

जिसके अकॉर्डिंग ईद जो थी वो एक्सपेक्ट की जा रही थी कि ट्वेंटी फर्स्ट अप्रैल को होगी तो हमने उसी लिहाज से सारी तैयारियां की और बहुत सारे यहाँ पे जो हैं वो इवेंट ऑर्गेनाइज थे और और फिर हम उन इवेंट्स को अटेंड करने के लिए गए स्पेसिफिकली uh, बच्चों का और मेरा यही मेन प्लान था कि हमने मेहंदी लगवानी है चूड़ियाँ लेनी हैं और जब हम वहाँ गए तो द तो प्लेस वॉज वेरी वेरी ओवर बहुत ज़्यादा वहाँ एशियन कम्यूनिटी थी और वो सब वहाँ पर बड़े मज़े मज़े के खाने खा रहे थे वहाँ पे हमारे जो डिफरेंट ट्रेडिशनल फूड होते हैं लाइक like कराची बंद कबाब चीज़ के गुलाब जामुन और आइसक्रीम क्रीम आ, यहाँ पर यू में लकी लिया आपको ये कम्बिनेशन बड़ी मज़े का लगेगा पर पाकिस्तान में रहते हुए इट्स लाइक वेरी हॉट कि गरम गरम गुलाब जामुन के साथ आइसक्रीम खाई जाए आ, पर रियली वी इन्जॉय दिस डिज़र्ट ओवर हीयर तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज एक जो है वो इवेंट ऑर्गेनाइज़ हुआ हुआ था जहाँ पे बड़ी कलरफुल सी हमने लीं और मेहंदी लगवाई और सब लोग जो है अपना बहुत ज़्यादा टाइम इन्जॉय कर रहे थे पाकिस्तानी इंडियन और बड़ी डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के यहाँ पर जो वो कपड़ों के स्टॉल थे टॉय स्टॉल्स थे ज्वेलरी स्टॉल्स थे और खाने पीने का तो इंतज़ाम था चाय कॉफ़ी तो सब ने चूड़ियाँ ली मेहंदी ली और कुछ मैचिंग ज्वेलरी जो वो लास्ट मिनट शॉपिंग होती है जो वो रह जाती है वो हमने इस इवेंट के थ्रू की और हम सब ने मेहंदी लगाई माई मदर इज रियलींजॉइंग हर टाइम हेयर उनको यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा उन्हें उन्हें लग ही नहीं रहा था कि ये यूके में है क्योंकि जब वो बहुत सालों पहले यहाँ आई थी तो इतना वाइब्रेंट कल्चर यूके का तब नहीं था वो काफी सालों के बाद अब आई हैं तो वो देख के बहुत खुश हुई कि ये तो बड़ा एक यूके का जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा मल्टी कल्चरल एक सोसाइटी बन चुकी है जैसे कि आप मेरे पिछले जो ईद व्लॉग है ईद शॉपिंग व्लॉग, उससे भी मैंने आपको बताया था कि मैं माँ जी के साथ यहाँ पर शॉपिंग करने गई और हमें हर तरह के मलबूसात जो है वो आसानी से ग्लास्को में मिल जाते हैं अ गाउन शलवार कमीज तर, आवर ट्रेडिशनल सैंडल्स शॉल्स वो माशाल्लाह सब कुछ हमें यहाँ आसानी से मिल जाता है और बहुत अच्छी सेल्स भी लगी होती हैं डिफरेंट चीज़ों पे और यहाँ पर हम मेहंदी लगवा रहे थे बहुत ही खूबसूरत मेहंदी लगाने वाली जो मेहंदी आर्टिस्ट थी वो यहाँ पे थी और यहाँ का जो एक और प्लस पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि दे वर कलेक्टिंग चैरिटी एज़ वेल यहाँ पर जो जितने भी स्टॉल्स लगे हुए थे चाहे वो डिज़र्ट्स स्टॉल्स हों शॉपिंग के लिए ज्वेलरी स्टॉल्स थे टॉय स्टॉल्स उन सब ने एक जो परसेंटेज है वो चैरिटी के लिए भी जो है वो कलेक्ट कर रहे थे कि ताकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते नए कपड़े और जरूरिया ईद की जो होती हैं वो खरीदना तो इस इवेंट के थ्रू उनको चैरिटी दी जाए और उन तक वो पैसे पहुँचाए जाएं, तो यहाँ पर डिफरेंट चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन थी उनके भी स्टॉल्स थे उन्होंने वॉल्टरली बेसिस पे कप स्टॉल्स लगाए हुए थे कपड़ों के कि आप जब ख़रीदो फरोख्त कर रहे हो किसी भी चीज़ की तो एक स्पेसिफिक परसेंटेज उन लोगों के लिए भी दें जो अफोर्ड नहीं कर सकते और चाँद रात का ये इवेंट एक बहुत ही ज़बरदस्त जगह पे ऑर्गेनाइज किया गया था जहाँ से आप ग्लास्को की जो सिटी लाइफ है आप वो देख सकते हैं नियर टू क्लाइड रिवर वहाँ से ग्लासगो सिटी सेंटर सारा नज़र आता है और रिवर क्लाइड जो है आप उसको इन्जॉय करते हैं बच्चों के लिए इतने ये खूबसूरत बलून्स थे कस्टमाइज बलून जिस पर ईद मुबारक लिखा हुआ था और बच्चों ने बलूनस लिए चूड़ियाँ मेहंदी चॉकलेट चैली कैंडेज और क्या नहीं यहाँ पे अवेलेबल था और चूंकि जब ऐसे इवेंट्स आते हैं तो मुझे भी अपना बचपन याद आता है और मैं बच्चों के साथ बच्ची बनकर इन इवेंट्स को एंजॉय करना बहुत पसंद करती हूँ क्योंकि मेरा ज़्यादा बचपन का जो दरान्या है वो पाकिस्तान में ही गुजरा और वहाँ पे हम इसी तरह लाहौर में लिबर्टी में जाना होता था चूड़ियाँ पहनना मेहंदी लगवाना परांदे पहनना वहाँ की आलू चाट फ्रूट चाट शॉर्मा खाना और साथ में मिल्क शेक पीना तो लाहौर में जो हमारा एक बड़ा वाइब्रेंट कल्चर है उसको फुल इन्जॉय करते थे तो मेरा ये बहुत ज़्यादा चाहना है कि बच्चों को वही जो हमारा कल्चर है उसकी एक वाइब यहाँ यू में भी मिले तो मैं इनको लेके जाती हूँ जब भी हमारे ये मल्टी कल्चरल इवेंट्स होते हैं जहाँ बच्चे इन्जॉय करें आ, सीखें कि एक जो हमारा साउथ एशियन कल्चर है वो कैसा है और साथ ही साथ जो हमारे रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं उनकी अहमियत क्या है इसी बहाने है, बच्चे जो हैं वो पाकिस्तानी कपड़े पहनते हैं जो हमारे ट्रेडिशनल ऊती कपड़े हैं वो सारे मलबूसात जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं मेहंदी चूड़ियाँ तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है एक वाइब्रेंट कल्चर तो जब जब भी इस तरह मल्टी कल्चरल बैकग्राउंड के जो लोग कहीं इकट्ठे होते हैं और इवेंट अटेंड करने आते हैं तो वहाँ पे मुझे मेरी बहुत ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स मिल ही जाते हैं और यहाँ पर जब हमने मेहंदी लगवा ली चूड़ियाँ लीं कुछ ज्वेलरीज़ लिए यहाँ पर कस्टमाइज ईद गिफ्ट थे बच्चों ने वो लिए तो uh, साथ ही मेरी कुछ फ्रेंड्स भी मुझे वहाँ मिल गई उनके साथ हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया काफ़ी अच्छी गपशप लगी हमने कॉफ़ी और चाय वगैरह मंगवाई और फाइनली जब मेरी uh, चूड़िया और मेहंदी जब कंप्लीट हुई तो फ्रेंड्स ने कहा चलो लेट्स हैव अ पिक्चर्स टुगेदर तो उन्होंने देरी फिर कुछ पिक्चर्स वगैरह ली और वह बहुत प्यारी माशाल्लाह माशाल्लाह लगी थी um, मेहंदी और चूड़ियाँ और एंड वी ऑल वर इन्जॉइंग आवर टाइम विद यम स्नैक्स इनके चाय हालांकि जो हैं मसाला चिप्स कराची बर्गर गुलाब जामुन आइसक्रीम कड़क चाय पिंक चाय ये सारी चीज़ें बहुत ही मज़े की थी और स्टॉल्स को भी हम इंजॉय रहे थे वहाँ का जो खाना पीना था Uh, साथ में वहाँ पे एक चैरिटी uh, ऑर्गेनाइजेशन का स्टॉल था जो बहुत ही खूबसूरत ईद मुबारक के कस्टमाइज कप दे रहे थे एंड दे वर कलेक्टिंग मनी जस्ट फॉर अ चैरिटी इस थ्रू यानी कि जो आपके पास एक हुनर है आप मज़े की अगर बेकिंग करते हैं और आप वो बना के घर से लेकर आएँ और उसको सेल करें और उससे जो पैसे इकट्ठे होते हैं वो चैरिटी के लिए यूज़ किए जाते हैं इट्स वेरी गुड इनिशिएटिव ये भी बहुत अच्छा रहा तो हम लोगों ने उस स्टॉल से बहुत ज़्यादा और मज़े मजे के कप केक्स लिए ईद मुबारक के लिए और तो ये था कि मैंने जब चांद रात इवेंट से वापस आना था तो आके सुबह ईद के लिए तैयारी भी करनी थी जिसमें हमारे घर में शीर खुरमा बनता है सवैयों के साथ और साथ में खीर बनती है और बच्चों को ये कपकेक्स बहुत अच्छे लगे और फिर मैंने ये ईद मुबारक के स्पेशल कप भी लिए और हम सब का ये जो चांद रात इवेंट है वो बहुत ही ज़बरदस्त रहा जिसमें हमने चूड़ियाँ मेहंदी कपड़े खानों के साथ साथ अपने फ्रेंड्स की कंपनी को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया अब चूँकि ऑलमोस्ट तीन से चार बज गए थे सुबह की और अगले दिन ईद थी और ईद की तैयारियों के लिए हम जल्दी जल्दी वापस आए मैं पूरी रात नहीं सोई क्योंकि मैंने बच्चों के कपड़े वगैरह इस किए सुबह ईद के लिए तैयारी की फाइनलाइज क्योंकि बचपन से ही हमारे यहाँ यहाँ है कि हम सब ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं और हमारा यहाँ पे सेंट्रल मॉस्क है जिसको हम मतलब फॉलो करते हैं और इस दफ़ा लकी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ग्लास को ने ट्वेंटी अप्रैल को ही ईद मनाई है क्योंकि सब एल थे कि वो जो एक डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट की तरफ से भी आया है आ, उसके अकॉर्डिंग जो है वो मून विजिबिलिटी ट्वेंटी फ़र्स्ट ऑफ अप्रैल को है तो फिर हम सब वहाँ गए और जो ये मेरा ईद की नमाज का एक्सपीरियंस है वो भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है क्योंकि यहाँ पे आपको मल्टी कल्चरल बैकग्राउंड के लोग मिलते हैं आप उन सब के साथ मिलके नमाज़ पढ़ते हैं और वो जो एक वाइप होती है और फीलिंग्स होती है इट्स रेली नॉट एक्सप्लेनेबल एट ऑल वो एक आप उससे फील ही कर सकते हैं आप लिटरली बहुत ज़्यादा ब्लेस फील करते हैं और माशाल्लाह माशा सेंट्रल मॉस्क जो है ग्लासको सेंट्रल मॉस्क की खूबसूरती कि ये भी है कि यहाँ पर मुख्तलि ज़ुबानों में जो है वो खुतबा दिया जाता है दो स्लॉट होते हैं कि उर्दू ज़बान में भी जो है वो आप ख़ुतबा सुने सुबह हाफ़ सिक्स से ऑनवर्ड हाफ अलेवन तक आ, और अलेवन ओ क्लाक तक आ, जो है वो अरेंजमेंट की जाती हैं ईद प्रेयर्स की जिसमें ख़वात बच्चों के लिए सेक्शंस बने होते हैं कि आप वहाँ आएँ आके ईद की नमाज़ पढ़ें मरद हज़रा की भी बहुत ज़्यादा स्पेशियस जगह है यहाँ पर और माशाल्लाह मेहंदी का रंग भी बहुत अच्छा आया था जो मैंने चांद रात पे लगवाई थी ईद की नमाज़ अदा करने के बाद हम साउथ साइड ग्लास्को गए वहाँ से जाकर हमने देसी ब्रेकफास्ट किया कुलचे और पाए का और अपने ईद के दिन का आगाज़ किया आई होप यू लाइक माई चांद रात एंड ईद प्रेयर व्लॉग। इन शाह आई विल अपलोड माई ईद डे व्लाग सून प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक केयर फोर सेल्फ बाई फॉर नाव